ये ड्रैगन फ्रूट है। ठीक है भाई साहब, है वाह वाह, ड्रैगन ले लिया, कैप ने लगा लिया, कैसा लग रहा है भाई? पकौड़ी बनाते हैं बिना कांटे की मछली की पकौड़ी। तो हम लोग आए हैं आज इनके पास, फ्राई करेंगे, ये हाफ फ्राई करके रखते हैं भैया यहाँ पर, ये फ्राई हो रही है बढ़िया बढ़िया, मसाला सारा डाल के दिए हैं, चटनी के साथ खाना है इसको। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप मेरे साथ बढ़िया होंगे। तो भैया बहुत दिनों से हम ब्लॉग नहीं डाल पा रहे थे, बहुत लोगों को मैसेज आ रहा था कि भैया आप ब्लॉग कब डालोगे कब डालोगे, तो आज हम एक भैया स्पेशल ब्लॉग बनाने के लिए घर से निकल पड़े हैं और जा रहे हैं पलिया। पलिया हमारे बम्हनपुर से जो है 30 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आज हम लोग फ्री बैठे थे भैया सब लोग। ये देखिए हमारे साथ में हिमांशु भैया हैं, ये गाड़ी चला रहे हैं, पीछे हमारे विशाल भैया जी बैठे हुए हैं। तो भैया लोगों के साथ आज हम पलिया निकल पड़े टहलने के लिए, घूमने के लिए, जो कुछ आज करेंगे सब आपको दिखाएंगे, लगातार वीडियो बने रहिए। मौसम बाहर का बहुत गर्म था, इसलिए भैया हम लोग बढ़िया एयर कंडीशनर कार में जो है थोड़ी देर रहेंगे, 1-2 घंटे, तो पूरा आनंद मिलेगा हमको, तब तक शाम हो जाएगी, धूप जो है ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग लगातार जो है चल ही रहे हैं, भैया अभी गाड़ी चला रहे हैं, भाऊजी हमारे देखिए तो ये गाड़ी चला रहे हैं, तो ये ज़्यादातर इनको हमने बोल दिया है कि आप आगे ध्यान दीजिए, कैमरे की तरफ मत देखिए। तो पलिया की मार्केट बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पे हम कुछ अपनी कैब भी लेंगे, कभी एक कैब हमारे पास है ब्लैक कलर की देख रहे हैं आप, तो अभी दूसरे कलर की या कुछ बढ़िया कैब मिल जाती है तो वहाँ लेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे घूमेंगे पलिया, वो भी दिखाएंगे आपको। तो आप लोग लगातार वीडियो में बने रहिए, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तड़ाक से चैनल सब्सक्राइब करिए। तो इस समय हम लोग त्रिलोकपुर नगुआ पहुँच चुके हैं और लगभग 15 किलोमीटर पलिया बचा है यहाँ से। तो समय इस समय जो है देखिए 4:30 बजा हुआ है, तो हमारे बहुत ज़्यादा जो है हमको कमजोरी आज महसूस हो रहा है, कुछ गर्मी की वजह से ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो भैया जिसे कहें अभी रेडबुल पिलाएंगे पलिया में, तो भैया पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? बिल्कुल पिलाएंगे, बिल्कुल। हाँ तो पलिया पहुँचते ही पहले रेडबुल पिलाइए भैया, उसके बाद एनर्जी आएगा तभी हम बोल पाएंगे, वरना बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हुआ है आज, तो हम भैया बोल भी नहीं पा रहे हैं सही से। तो भैया एक रेडबुल पियेंगे तब एनर्जी आएगा, क्यों भाई? तो हमारे बहुत से भैया लोग जो है हमको कमेंट करके पूछते रहते हैं कि आप क्या मोबाइल से वीडियो बनाते हो, कैमरे से वीडियो बनाते हो? तो भैया हम अपने कैमरा से नहीं मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं, मेरे पास कोई कैमरा वैमरा नहीं है। और ये कई लोगों ने पूछा भैया कि आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हो, तो हम वीवो का X60 मोबाइल यूज़ करते हैं। और एक भैया ने पूछा था कि आप माइक कौन सा यूज़ करते हो, तो मैं माइक देखिए मेरे पास ये बोया का माइक है, ये वायरलेस तो नहीं है, वायर वाला है इसलिए दिखा नहीं सकते आपको अभी, ये देखिए। तो ये बोया का माइक हमने ऑनलाइन खरीदा था, इसका वीडियो हमने बनाया था जब मंगाया था। और गिम्बल भी हमने DJI का मंगाया था, तो गिम्बल काफ़ी वजन होता है तो उसको पकड़ने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए उसको साथ में लेकर नहीं चलते हैं, इसमें हम ट्राइपॉड गोरिल्ला ट्राइपॉड से ही काम चला रहे हैं अभी। तो ये सब बातें हैं भैया, आप लोग जो हमसे पूछते हैं बताते जरूर हैं आपको। तो भैया हम लोग पहुँच गए हैं पलिया, क्यों भाई साहब? तो यहाँ पर हमको एक नया फल देखने को मिला है, ड्रैगन फ्रूट, देखिए ये दिख रहा है यहाँ पर, हम इसको दिखाएँगे भैया, ये ड्रैगन फ्रूट है और इधर सलीफे भी हैं इनके पास, काटेंगे हम, काटो भैया कैसा निकलता अंदर, हम तो पहली बार खाने जा रहे हैं इसको, दिखने में काफी प्यारा लग रहा है भैया, क्यों विशाल जी है? अब खाने में टेस्ट कैसा होगा? ड्रैगन फ्रूट ड्रैगन की तरह लग रहा है अंदर, बहुत बढ़िया कलर निकला है यार इसका, एक इसका व्हाइट वाला भी आता है, क्यों व्हाइट अच्छा नहीं होता भाई? अच्छा ये भाई साहब बता रहे हैं व्हाइट वाला अच्छा नहीं होता जी, आपको पंजाब में चंडीगढ़ मिलेगा। अच्छा अच्छा, अरे वाह क्या कलर आया खिल के भाई साहब, है वाह वाह ड्रैगन फ्रूट, वाह कहीं नाम और काम इसका दोनों कहीं जैसा लग रहा है, ड्रैगन की जैसा लग रहा है, वाह भाई साहब वाह। देखिए ड्रैगन फ्रूट है अंदर, बीज बीज भरा हुआ है सब, इसको खाएंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट है भाई साहब, आपको कैसा लगा? बढ़िया। अरे हम हिमांशु जी पूरा खा रहे हैं भैया, पूरा खा रहे हैं जी, बहुत बढ़िया भैया आपने चीज़ खिलाई। और कोई नई चीज़ आपके यहाँ बिक रही है? और ये देखिए ये जो मार्केट का रास्ता गया पलिया में मेला मैदान के सामने, मैं भैया इनके फ्रूट की दुकान है, जूस वूस बेचते हैं, बढ़िया दुकान है देखिए। क्या बेटा क्यों हंस रहे हो तुम? तो बहुत बढ़िया टेस्ट है यार, आप नहीं खाएंगे? हाँ जी ब्लॉग बन रहा है। इस समय जो है उदित गारमेंट पे हैं, तो कैप लेने आए अपने लिए, आपसे बताए थे रास्ते में कैप लेंगे, तो ये देखिए एक कैप ये रेड वाला है, कई सारे कैप हैं इनके पास, देखिए। क्या नाम भैया आपका? नहीं आपका क्या नाम? छोटू। ये छोटू भाई साहब हैं हमको मिले हैं देखिए, तो ये काफ़ी सारी देखिए कैप निकाल के रख दिए हैं यहाँ पर, तो इसमें से कोई ना कोई कैप हम पसंद करेंगे एक अपने लिए, क्योंकि हमारे पास एक ही कैप है ये ब्लैक वाला, तो ब्लैक कलर नहीं लेंगे दूसरा लेंगे। भाई साहब ये कैसा रहेगा? हेलो विशाल जी बताइए कैसा रहेगा ये? ये वाला, यही वाला सही है? नहीं ये वाला बिल्कुल सही परफेक्ट है, ये वाला लेते हैं भाई। कितने का है भैया? छोटू की दुकान में हमने कैप ले लिया, कैप ने लगा लिया, कैसा लग रहा है भाई कमेंट करके जरूर बताना आप लोग।
तो ये छोटू भैया दुकान है मेन मार्केट में, तो इनके यहाँ आइए शॉप पे सामान लीजिए, बढ़िया बढ़िया देखिए सब गवर्नमेंट की दुकान है इनकी, बहुत बढ़िया। तो हम भी यहाँ ले लिए हैं, अब चल रहे हैं थोड़ा आगे चले, कुछ काम है पलिया में वो भी निपटाते हैं, आप लगातार वीडियो बने रहिए। भैया हम लोग इस समय देखिए गुप्ता एजेंसी खड़े हुए हैं और भैया हमारे लिए रेडबुल लेकर आए हैं, हम बताए थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं गर्मी में, ये भैया जरा इसको खोल दीजिए जी, ये भैया रेडबुल लेकर आए हैं, अपना वादा पूरा किए हैं, बहुत अच्छे भैया हमारे लिए रेडबुल लेकर आए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, चिल है एकदम, पीते हैं भैया रेडबुल, थोड़ा एनर्जी आ जाए, वाह भैया वाह, अभी रेडबुल पी लेते हैं उसके बाद मिलते हैं आपको। तो भैया इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमने रेडबुल जो है डबल पिया है, भाई साहब ने नहीं पिया ये इनको टेस्ट नहीं पसंद आया, तो हमको कुछ ज़्यादा एनर्जी आने वाला है अभी हमको, क्यों नहीं पिए पहले ये बताइए आप, बहुत ही गंदा टेस्ट है इनको टेस्ट, अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो भैया रेडबुल पीजिए, इनको इनको अभी सजेस्ट किए थे हम, लेकिन ये बोल रहे हैं इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो हमको बहुत प्यार लगता है तो हम डबल पियेंगे यार। अभी हमको गुप्त सूत्रों से पता लगा कि अनुज भैया भी पलिया में ही हैं, वो हमसे मिलने आ रहे हैं, अभी उनको दिखाएंगे, वो साथ में जाएंगे हमारे, उनकी गाड़ी बननी आई थी, गाड़ी आज बन नहीं पाई है, वो खड़ी कर देंगे कल, ये साथ गाड़ी लेकर जाएंगे, तो आज हमारे साथ ही वापस जाएंगे, भैया आ रहे हैं अभी, उनसे मिलवाते हैं आपको। ये देखिए हमारे अनुज भैया आ गए हैं, अनुज भैया जी, अनुज भाई क्या हाल चाल है, पलिया मिले हमको भैया, बहुत आप दिलहैप्पी हो गया, आप यहाँ मिल गए हमको जी, आज चलेंगे साथ में हमारे, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग घूमने आए थे भैया, आज अनुज भैया आए हैं, इन्होंने जो है मछली खिलाने के बाद कही मछली पकौड़ी यहाँ बहुत बढ़िया मिलती है, कक्कड़ सिंह की जी, बहुत अच्छी पलिया की मशहूर कक्कड़ सिंह की मछली है, बिना कांटे वाली मछली, तो उसको आज हम लोग खाने जा रहे हैं, वहीं आपको दिखाएंगे, दुकान भी दिखाएंगे कहाँ पे है, तो ये संपूर्ण नगर रोड पे पड़ते हैं बाईपास पे, तो वहाँ पे कक्कड़ सिंह की दुकान है, भी दिखाएंगे आपको। भैया हम लोग पहुँच गए बलदेव सिंह फिश कॉर्नर, बहुत बढ़िया मछली पकौड़ी मिलने वाली है, हम लोग खाएंगे, देखिए बलदेव सिंह फिश कॉर्नर, ये बाईपास रोड पलिया कला, हम लोग यहीं मछली पकौड़ी खाएंगे, बहुत फेमस पकौड़ी है इनकी। तो भैया देखिए ये बलदेव सिंह है, आप ही का नाम बलदेव सिंह है, तो ये भैया बहुत बढ़िया पकौड़ी बनाते हैं बिना कांटे की मछली की पकौड़ी, तो हम लोग आए हैं आज इनके पास खाने, अभी खिलाएंगे भैया बना के, दिखाते हैं आपको। तो कौन कौन सी मछली सदा जी इसमें, पढ़िन, तो इसमें बिना कांटे होती ना ये जी, ये तवल के जो है इसको फ्राई करेंगे, ये हाफ फ्राई करके रखते हैं भैया यहाँ पर जी, ये 250 ग्राम तली है, 250 ग्राम कितने की है, 150 रुपये की, 150 रुपये की 250 ग्राम, तो यहाँ पहले से जो है इन्होंने हाफ फ्राई करके रखे हैं, अब इसको कट करेंगे एक भी काटा नहीं है इसमें, गर्म हो गई है देखिए, अब इसमें डालेंगे ये हाफ जो हाफ फ्राई किए करके रखे थे, तो ये इनकी दुकान यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जूम करके दिखाते हैं, ये बाईपास रोड पे है, तो इनके सामने जैसे इनका बलदेव सिंह फिश कॉर्नर है, ये देखिए फ्राई हो रही हैं पकड़, दिखाइए जरा उसको निकाल के ऊपर जी, ये फ्राई हो रही हैं बढ़िया, ये तेल या कढ़ाई में देख रहे हैं इसको, दूसरे दिन ही चेंज कर देते हैं सदाजी, क्यों सदाजी, ज़्यादा दिन नहीं रखते हैं ये, साफ रहे ना जी जी, तेल साफ रहना चाहिए तभी स्वाद आएगा इसका। ये जो मछलियाँ फ्राई कर रहे हैं सदाजी, तो इसमें सारे होममेड मसाले यूज़ करते हैं, इसमें कोई भी केमिकल वगैरह कोई कलर वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, तो शायद वो कलर लिखने में और अच्छा लगता है, लेकिन टेस्ट होना चाहिए, कलर हो चाहे ना हो, तो बहुत बढ़िया टेस्ट आने वाला, अभी दिखाएंगे खा के बताएंगे कैसा टेस्ट है। भैया मछली पकौड़ी आ गई देखिए, एकदम बढ़िया फ्राई किए हैं, तो इनको ये चटनी वटनी प्याज और साथ में दिए हैं, तो कैसा टेस्ट है आप बताइए, बहुत बढ़िया ना जी, ये देखिए अंदर एकदम जो है गर्म गर्म है, और कांटा एक भी नहीं है इसमें, क्यों भैया जी, बढ़िया मसाला सा डाल के दिए हैं, चटनी के साथ खाना है इसको, खाएंगे काफ़ी गर्म है, टेस्ट बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया टेस्ट है, कभी आप आइए ट्राई ज़रूर करिएगा पलिया में, काफ़ी गर्म है भैया, काफ़ी मज़ेदार टेस्ट है भैया, बहुत टेस्टी। तो भैया हम लोग मछली पकौड़ी पेट भर के खा लिए हैं कस के, ओके टेस्ट कैसा था बताइए भाई साहब, अरे भाई साहब मज़ा आ गया, मज़ा आ गया ना एकदम, तो भैया आप लोग भी कभी आइए तो यहाँ जरूर ट्राई करिएगा, इनकी बलदेव सिंह फिश कॉर्नर की दुकान है, आपको बताए थे हम, तो पहले ये दुकान कक्कड़ सिंह के नाम से मशहूर थी क्यों भैया, तो कक्कड़ सिंह बहुत पहले एक्सपायर हो गए हैं, तो उनके जो है नाम से ये दुकान चल रही, लेकिन नाम का दुकान का नाम बदल दिए हैं, बलदेव सिंह फिश कॉर्नर है, कक्कड़ सिंह आपके कौन थे भैया, उस्ताद थे, तो ये भैया कक्कड़ सिंह इनके उस्ताद थे, तो लगभग वो 20-25 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन उनका नाम भी अभी चल रहा है, तो बहुत बढ़िया लगा भैया, ठीक है सर, ओके सर। देखिए भैया पलिया का शाम का नज़ारा एकदम बेहतरीन है, लाइटें खूब बढ़िया लगाई हैं यहाँ पर जी जी, तिरंगा जी जी, तिरंगा की टाइप की लाइटें लगी हैं, देखिए बहुत बढ़िया नज़ारा है यहाँ का, पूरी लगी है भाई साहब नगर पालिका में, पूरे खंभे पे जितनी भी लाइटें लगी हैं सब पे खंभों पे लाइट लगी है ये,
तो भैया शाम के 7:15 बज चुके हैं, बहुत पूरा दिन हम लोग इन्जॉय कर लिए हैं, दिन तो नहीं लगभग 3 बजे निकले थे घर से, तो हम लोग वापस जा रहे हैं घर, पूरा इन्जॉय कर लिए, मछली पकौड़ी खा लिए हैं, अभी एक ड्रैगन फ्रूट भी खा लिए आप देखे होंगे, और कुछ सामान भी ले लिए, सारा काम निपटा दिए हैं, तो अब हम अनुज भैया साथ में जाएंगे वापस, देखिए बैठे हुए हैं जी सर। तो अभी कुछ भैया सब्जी लेने गए हैं, कुछ मानसू भैया तो सब्जी लेकर आ रहे हैं, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो